हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही, पीड़ित व्यक्ति की सहमति के बिना अधिकृत कर ली गई जमीन, साथ ही नहीं दिया गया कोई मुआवजा। पीड़ित व्यक्ति ने दी चेतावनी, नहीं मिला इंसाफ तो 15 अगस्त को कर लूंगा आत्मदाह। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आपको बता दें कि पीड़ित नूतन प्रकाश त्यागी निवासी ग्राम चमड़ी जिला हापुड़, जिसका खसरा संख्या 702 स्थित है, जो एसपीडीए ने सन 2008 में दयारी सहमति के बिना अधिकृत कर लिया, जबकि उस जमीन पर नूतन प्रकाश त्यागी एचपीडीए के गठन से पहले ही कुछ दुकानें बनाकर वह खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। आपको बता दें कि किसी भी समझौते के बगैर ही नूतन प्रकाश त्यागी का खसरा नंबर 702 हटा दिया गया, जिसका उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। पीड़ित व्यक्ति की माने तो एचपीडीए कहता है कि 19,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पैसे जमा कराओ, आपकी ज़मीन आपको मिल जाएगी। बता दें कि पीड़ित व्यक्ति इस बारे में एचपीडीए को कई बार अवगत करा चुका है। फिलहाल पीड़ित व्यक्ति 12 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2021 तक शांतिपूर्वक धरने पर बैठा है। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि अगर 14 अगस्त 2021 तक उसे इंसाफ नहीं मिला तो 15 अगस्त को वह आत्मदाह कर लेगा। साथ ही पीड़ित व्यक्ति ने एचपीडीए के उपाध्यक्ष को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि मेरी मौत के जिम्मेदार अपर जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण गाजियाबाद व एचपीडीए उपाध्यक्ष व सचिव होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बताइए भैया, क्या मैटर है, आप बताओ। भैया मेरा नाम नूतन प्रकाश त्यागी निवासी ग्राम चबरी। सन 2008 में हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण ने हमारी जमीन का अधिग्रहण किया, हमारी बिना सहमति के हमारे खसरा नंबर 702 से हमारा नाम हटा दिया गया। ना ही जिसका हमने कोई मुआवजा लिया है, ना ही कोई सहमति पत्र पर साइन हुए हैं। जिस जमीन पर हमारी रोजी रोटी चलती है उससे हमें भगाना चाहते हैं, कहते हैं अब कि 19,000 रुपये जमा करो, हम आपकी ज़मीन छोड़ देंगे। एक गरीब किसान कहाँ से लाएगा 19,000 रुपये? 800 रुपये में अधिग्रहण क्या है आनंद विहार का, मेरे बस की नहीं है। मुझे तो अपनी जमीन वापस चाहिए, अपनी ज़मीन में मेरा नाम चाहिए मुझे। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा इसमें कहना ये है, प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना की है। हम सन 17 में अपने इस मैटर को लेकर मुख्यमंत्री महोदय के पास गए थे, उन्होंने स्पष्ट आदेश किया था कि इसमें व्यापारियों के, किसानों के और प्राधिकरण के बीच में एक आम सहमति बने जिससे किसी को भी नुकसान ना हो। उसके संदर्भ में एक मीटिंग 2018 में हमारी विशेष सचिव आवास के साथ हुई थी, जिसमें प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद थे। उनका कहना यह था कि योजना से हमारी योजना इस बने भवनों से हमारी योजना पर कोई प्रभाव नहीं है। उसके साथ साथ ये वहाँ बैठ के तय हुआ कि डेवलपमेंट चार्ज या वह सुन लेकर इनको समायोजित कर लिया जाएगा, लेकिन उसके विपरीत बोर्ड ने इस पर 19,000 रुपये रेट तय कर दिए, जो कि सरासर गलत है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 19,000 रुपये देने में समर्थ नहीं है। हम नूतन प्रकाश त्यागी का समर्थन करते हैं इस बारे में कि इन्होंने स्टेप उठाया है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय से दोबारा उसी संदर्भ में मीटिंग होने वाली है शीघ्र ही, हफ्ते 10 दिन में, लेकिन जो इन्होंने कहा है कि आदमदाह वाला, ये अभी ऐसी नौबत नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते। आदमदाह अभी नहीं करना चाहिए, अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन जो इन्होंने धरने का किया है उसका हम सहयोग। आपका नाम क्या है सर? ललित कुमार छावनी वाले गठन से पहले आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? हम प्राधिकरण के गठन से पहले से मौजूद रहे हैं, किसी के 1984 के, किसी के 1985 के, किसी के 1988 के बनाने, ये 1996 में आया था। वैसे भी नगर पालिका क्षेत्र है 1983 से। मेरी 15 गज की दुकान है, पूरी जिंदगी की कमाई मेरी वो है, वो मेरी चली जाएगी, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, कहाँ से मतलब बहुत करेंगे दे देंगे, लेकिन 19,000 मीटर में कहाँ से दूंगा? 19,000 छोटा पेंटर का काम करता हूँ मैं। आपको बता दें कि पीड़ित व्यक्ति की जमीन एचपीडीए के प्रीत विहार में आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।